अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेहरान गाड़ी के शीशों को नरम कैसे किया जाता है। अगर आपकी गाड़ी के भी शीशे इस तरह से हार्ड हुए हुए हैं और ऊपर नीचे करते वक्त काफ़ी आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इन शीशों को कैसे नरम किया जाए। मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले आपने ये वाला पेज खोल लेना है। उसके बाद दो पेच यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं, इनको खोल लेना है आपने। उसके बाद आपने पिचकस का ये वाली साइड, सीधी वाली साइड, इसके पीछे पिन होती है एक, आपने इस पिन को निकाल लेना है यहाँ से पिचकस डाल के। ये पिन है। वो इस पिन ऑलरेडी निकली हुई थी, इसका मुझे भी नहीं पता था। इस पिन को भी निकाल लेते हैं। चलें पहले इसका डोर कार्ड खोलते हैं, उसके बाद इसकी पिन निकालते हैं। इस तरह से आपने इसको खोल लेना है। उसके बाद इस शॉपर को हटा देना है यहाँ से। इसकी ग्लू टाइप कोई चीज़ लगी हुई है, आपने इसको आराम आराम से हटा देना। इसको फुल नीचे नहीं हटाना, बस ये जगह आपने खाली कर देनी है। ये एक ये सुराख और एक ये सुराख। उसके बाद आपने इसको वापस लगा देना है विदाउट पिन। कैसे इसको फंसा देना है अपने शीशे को। ये भी काफ़ी ज़ोर मांग रहा है, काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ रहा है इसको। ये देखें गाइस, ये जगह एक मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये जगह, ये देखें, ये इसकी खुश्क हो गई है, काफ़ी डस्ट भी लगी हुई है यहाँ पे। ये इस तरफ भी देखें, यहाँ भी डस्ट लगी हुई है। ये जगह इसकी, ये आपने सबसे पहले पिचकस ले लेना है। पिचकस से इसकी आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सफाई कर लेनी है पहले। ये देखें, ये मट्टी लगी हुई है इसकी, काफ़ी मट्टी लगी हुई है। आपने इसकी सफाई कर लेनी है पहले। मैं इसकी सफाई करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका और प्रोसेस क्या है। कपड़े की मदद से आपने इस मिट्टी को साफ कर लेना है। अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो मिट्टी इसके अंदर नीचे गिर गई है इसको भी साफ कर ले, क्योंकि ये दरवाज़ों में छोटे छोटे सुराख होते हैं, ये मिट्टी बाद में कीचड़ बन के वो सुराख बंद कर देती है। तो आपने इस मिट्टी को भी निकाल लेना किसी तरीके से।
आपने ले लेनी है ग्रीस, कोई भी ग्रीस ले लें, कोशिश करें अच्छी ग्रीस लें। मेरे पास अभी यही पड़ी थी, कोई लोकल ग्रीस है, मैं अभी इसी को लगाऊंगा। तो आप कोशिश करें अच्छी ग्रीस लें, अच्छी ग्रीस लगाएं। तो उसने आपने अपनी फिंगर टिप पे लगा लेनी है और इन जगहों पर लगा देना है आहिस्ता आहिस्ता। इतनी ज़्यादा भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस मामूली मामूली लगा दें, क्योंकि उसको जितनी चाहिए होगी वो उस हिसाब से एडजस्ट करेगा इसका ये लॉक जो है। अगर आप ज़्यादा ग्रीस लगा देंगे तो वो फिर नीचे गिर जाएगी दरवाजे में। इस तरह से अच्छी तरह ये लगा देनी है सारी आपने। जी तो उसके बाद आपने उसको दो तीन बार ऊपर नीचे करना है। ये देखें ये भी कितना नरम हो गया है, पहले मुझे पूरे हाथ से इसको जोर लगा के ऊपर कर रहा था मैं, और अभी ये उंगली के साथ पकड़ के मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ये देखें